हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द साइंस क्लास ऑफ थर्ड ग्रेड। प्लेज आई अंजलि राणा कमिंग टू बी विजिलेंट एंड बियर इन माइंड एट ऑल टाइम्स द रिस्क टू माई सेल्फ एंड माई क्लीग्स फ्रॉम COVID-19। आई प्रोमिस टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस दैट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वायरस। आई प्रोमिस टू फॉलो एंड एनकरेज अदर्स टू फॉलो द की कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स। To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. So, student, now we will continue our first chapter. We have done up to here. In the last AV. Okay. So now we will start from here. Plants breathe through tiny pores called stomata, present on the underside of leaves. इसमें हम क्या कर रहे थे? यहाँ पर बता रहे थे हम living things breathe. Living things कैसे कैसे ब्रीथ करते हैं? तो हमने यहाँ पे बताया था कि ह्यूमन बीइंग्स हैं जो वो ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर नोज़। जो लैंड एनिमल्स हैं, है ना, लैंड एनिमल्स वो अब थ्रू लंग्स करते हैं। इंसेक्ट है वो किससे करते हैं? टीनी पोर स्पाइरकल से, ठीक है। फिर हमने फ़िश की बात की थी, फ़िश गिल्स के थ्रू करते हैं। नाउ प्लांट्स किसके थ्रू करते हैं? प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टीनी पोर्स, वो स्टोमेटा के थ्रू जो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। प्लांट्स किसके थ्रू लेते हैं? स्टोमेटा के थ्रू। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स, लीव्स के अंडर साइड होता है, ठीक है। बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? ये तो ब्रीथ ही नहीं करती है ना, ये तो सांस ही नहीं लेती। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स हैं वो मूव कैसे करती हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफर इन द टाइप ऑफ मूवमेंट दे शो। जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो अलग अलग तरह से हमें दिखाई देते हैं मूवमेंट करते हुए, है ना। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफर इन द टाइप ऑफ मूवमेंट्स दे शो, जैसे दिखाई देते हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे। प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द सॉइल विद देयर रूट्स एंड डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट्स क्या है? फिक्स होते हैं सॉइल में, मिट्टी में फिक्स होते हैं। किसके साथ होते हैं वो? विद देयर रूट्स, जड़ों से। रूट्स किसको बोलते हैं? जड़ों को। एंड डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं? सॉइल में फिक्स होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह वो मूव नहीं कर सकते। हाउएवर सम प्लांट्स मे मूव देयर पार्ट्स, बट क्या होता है कि जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स का जो पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो मूव कर सकते हैं, है ना। पूरा प्लांट्स तो मूव नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल द टच मी नॉट प्लांट क्लोज इट्स लीव अपॉन टचिंग। जैसे आपने ये प्लांट्स देखा होगा कभी, टच मी नॉट, इसको पहले छुई मुई का पेड़ बोलते थे, प्लांट्स बोलते थे, है ना। इसको क्या होता है, ये ऐसे ऐसे ओपन होते हैं इसकी लीव्स, जब हम इसको टच करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वो श्रिंक हो जाती हैं, है ना। तो ये इसके क्या हुआ, ये पार्ट मूव हुए हैं। पूरा प्लांट तो मूव नहीं हुआ, बट इसके जो पार्ट्स हैं वो मूव होते हैं। एनिमल्स मूव ऑन देयर ओन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड शेल्टर और टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज। एनिमल्स क्या है? वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्यों मूव करते हैं वो? इन सर्च ऑफ फूड, या तो फूड की तलाश में, है ना। फूड को अगर उनको फूड चाहिए, फूड को ढूंढने के लिए, रहने के लिए जगह, शेल्टर, और टू प्रोटेक्ट themselves फ्रॉम देयर एनिमी। अगर उनको अपने एनिमी से प्रॉब्लम है, मीन्स उनको खतरा है कोई दुश्मनों से, तो वो क्या करते हैं, अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं। सम एनिमल्स लाइक कैट्स एंड काओ मूव विद देयर लेग्स। जो एनिमल्स हैं कैट और काओज, वो किससे मूव करती हैं? थ्रू देयर लेग्स, अपनी लेग्स से मूव करते हैं। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। जो बर्ड्स हैं और इंसेक्ट हैं, छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं लाइक फ्लाइज, है ना, वो किससे मूव करते हैं? विंग से, अपने पंखों की हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। फिश होती है, फिश मूव विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स एंड टेल।
जो फिश है वो किसके थ्रू मूव करती है? फिन्स, उनके फिन्स होते हैं, फिन्स के थ्रू वो मूव करते हैं, फिन्स एंड टेल। स्नेक्स एंड अर्थ वॉर्म मूव विद द हेल्प ऑफ देयर होल बॉडीज। आपने अर्थ वॉर्म देखा होगा, बारिश में जाते जो अर्थ वॉर्म्स और स्नेक्स, स्नेक कैसे रेंगते हैं ना वो, तो वो किसकी हेल्प से मूव करते हैं? अपनी पूरी बॉडी से, होल बॉडी से मूव करते हैं। ओके तो ये थे मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स। नाउ हेयर इज बर्ड, हेयर बर्ड्स मूवमेंट इन अ बर्ड यूजिंग इट्स विंग्स। यहाँ पर जो बर्ड्स हैं वो अपने विंग्स की हेल्प से, ये इसके विंग्स हैं, पंख, पंखों की हेल्प से वो मूव कर रहे हैं, है ना। हेयर इज फिश मूवमेंट्स इन अ फिश, यहाँ पर मूवमेंट्स दिखाई गई है फिश की, कैसे वो अपनी ये जो जिसकी टेल है, फिन्स एंड टेल्स, इनकी हेल्प से क्या हो रहा है, इसकी मूवमेंट हो रही है। ये फिन्स हैं, इनकी हेल्प से वो क्या हो रहा है, कभी ऊपर जा रही है ना, तो यहाँ पर क्या दिखाया गया, इसकी फिन्स को और टेल्स को दिखाया है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो तो अपने आप मूव ही नहीं करती जब तक कोई और उसको मूव नहीं करेगा, लाइक टेबल, चेयर, अगर जब तक हम उसको मूव नहीं करवाएंगे तब तक वो खुद मूव नहीं करेगी ना। नेक्स्ट टॉपिक इज लिविंग थिंग्स फील एंड रिस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग्स। लिविंग थिंग्स कैसे फील और रिस्पॉन्ड करती है अपने आसपास, ठीक है। व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील हंग्री, हम क्या कैसा फील करते हैं जब हम हंग्री होते हैं, भूखे होते हैं। हाउ डू यू कम टू नो दैट समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर, कैसा होता है जब कोई आपको आपके दरवाजे पर नॉक करता है। व्हेन यू गेट हर्ट डू यू फील पेन, जब तुम्हें हर्ट होता है क्या तुम्हें पेन फील होता है। ऑल लिविंग थिंग्स फील मीन्स, ये सब चीज़ें किसके लिए हैं, लिविंग थिंग्स के लिए। जब हम हंग्री होते हैं, भूख लगती है, हमें भूख लगती है, हमें कुछ फील होता है। जब कोई आता है तो हमें क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए, करते हैं हम, जब हम कोई दरवाजे पे हमारे डोर पे नॉक करता है तो हमें क्या, हम उसका रिस्पॉन्ड करते हैं। जब हमें कोई हर्ट होता है तो हमें पेन फील होता है ना, तो ये किसके लिए है, ऑल लिविंग थिंग्स फील्स, मतलब लिविंग थिंग्स क्या है, वो फील करती है। लिविंग थिंग्स कैन फील विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन, जो लिविंग थिंग्स है वो किसकी हेल्प से फील करती है, विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स। द फाइव सेंस ऑर्गन्स आर आइज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। फाइव सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं, आइज, ईयर्स, नोज, स्किन और टंग, इनकी हेल्प से ही क्या होता है, फील होता है। जस्ट लाइक एनिमल्स प्लांट्स कैन ऑल्सो फील, एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो भी फील कर सकते हैं। वी शुड नॉट हार्म देम, हमें उनको हार्म नहीं पहुँचाना चाहिए, किसी भी एनिमल्स को और प्लांट्स को। अ डॉग यूज इट्स नोज टू स्निफ, अब जो डॉग है वो कोई स्निफ करने के लिए, सूंघने के लिए किसका यूज़ करता है, नोज का। अ कैट क्लीन्स इट्स सेल्फ यूजिंग इट्स, जो कैट है वो अपने आप को क्लीन करते हैं, किसकी हेल्प से करती है, वो टंग की हेल्प से। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील एनी थिंग सो दे डू नॉट रिस्पॉन्ड, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो कुछ भी फील नहीं करती, इसलिए वो कुछ भी रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल आप चेयर को मार रहे हो या फिर चेयर को कुछ भी हर्ट कर रहे हो तो उसको क्या है, फील नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है, उसको फील नहीं होता तो वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। थिंक ऑफ अदर एनिमल्स दैट यूज देयर सेंस ऑर्गन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, सभी एनिमल्स क्या हैं, सेंस ऑर्गन को यूज़ करते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज लिविंग थिंग्स ग्रो, यू मस्ट हैव सीन यूर फोटोग्राफ व्हेन यू वर अ स्मॉल बेबी, जब तुम छोटे थे, जब तुम स्मॉल बेबी थे तो तुम्हें अपनी फोटोग्राफ देखनी चाहिए। यू वर मच स्मॉलर देन व्हाट यू आर टुडे, तुम्हें क्या है, तुम्हें लगेगा कि, तो आपको क्या दिखाई देगा कि आप बहुत छोटे थे उस टाइम, है ना। लिविंग थिंग्स चेंज देयर शेप एंड साइज एज दे ग्रो, लिविंग थिंग्स क्या है, टाइम के साथ साथ शेप और उसके साइज चेंज हो जाता है। पहले आप छोटे होंगे, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया ये बेबी बॉय है ना, तो ये सॉरी बेबी गर्ल, उसके बाद ये फिर ये बड़ी हो जा रही है, फिर ये इसमें थोड़ा सा बड़ा दिखाया गया है और यहाँ पर ये
और बड़ी हो गई है ना, ऐसे ही यहाँ पर एक सीड है, सीड ग्रो हो रहा है, उसके बाद ये पूरा प्लांट बन जाएगा। यहाँ पर आपको टाइगर का दिखाया गया है, ये छोटा सा कब है, कब ग्रो हो रहा है, फिर ये टाइगर बन गया। तो ये लिविंग थिंग्स है, मीन्स टाइम टू टाइम इसकी शेप एंड साइज में चेंजेस आते हैं। सो ऑल लिविंग थिंग्स टेक बर्थ, ग्रो, बिकम ओल्ड एंड डाई। सारी लिविंग थिंग्स है वो बर्थ करते हैं, फिर उसके बाद ग्रो होती हैं, फिर वो बड़ी हो जाती हैं, और उसके बाद फिर वो डाई हो जाती हैं, ठीक है। बट जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो ही नहीं कर पाते, वो आज जितनी हैं वो कितने भी टाइम बाद आप उसको चेक कर लेना, उसके बाद वो सेम ही रहती हैं, ठीक है। सो लिविंग थिंग्स ग्रो भी करती हैं, मूव भी करती हैं और ब्रीथ भी करती हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, डू नॉट ग्रो एंड मूव। नेक्स्ट टॉपिक इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू गिव बर्थ टू देयर ओन काइंड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जो लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है टू गिव बर्थ टू देयर ओन काइंड, अपने ही जैसे को बर्थ देती है ना, तो ये क्या प्रोसेस हो जाती है, रिप्रोडक्शन। सम एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड टर्टल्स ले एग्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं और बर्ड्स जैसे एंड टर्टल्स जो एग्स देते हैं, दीज एग्स हैच एंड अ बेबी कम्स आउट ऑफ ईच एग। उसमें क्या होता है कि एग, दीज एग्स हैच एंड उसमें से क्या होता है, फिर जो एग्स होते हैं एग्स में से बेबी बाहर निकलता है, पहले हैच हो जाता है वो एग, ठीक है, उसमें से फिर बेबी बाहर निकलता है। सम एनिमल्स गेव बर्थ टू यंग वंस, कुछ एनिमल्स होते हैं अपने ही जैसे यंग वंस को बर्थ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैट्स, हॉर्सेज, मंकी एंड ह्यूमंस। कैट्स है वो क्या करती है, अपने ही जैसे को बर्थ देती है, एंड हॉर्सेज, मंकी एंड ह्यूमंस, ह्यूमंस भी बर्थ देते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विच ग्रो इन टू अ बेबी प्लांट्स, जो प्लांट्स है वो प्रोड्यूस करता है सीड्स को, बीज को, उसके बाद क्या होता है, ग्रो होता है और वो बेबी प्लांट बन जाता है। अंडर सुटेबल कंडीशन दिस बेबी प्लांट ग्रो टू बिकम अ न्यू प्लांट, सुटेबल कंडीशन के अंडर वो क्या हो जाता है, वो बड़ा प्लांट बन जाता है। जैसे आपको इसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये सॉइल में सीड है, ये फिर बड़ा हो गया, उसके बाद फिर क्या है, ये पूरा प्लांट बन गया। हैव यू एवर सीन योर फुटबॉल, बाइसाइकिल, लैपटॉप और बस प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ देयर ऑन काइंड, नो। आपने कभी देखा है कि फुटबॉल की जैसी फुटबॉल बन रही है, बाइसाइकिल से बाइसाइकिल बन रही है, नो। दिस इज़ बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है वो रिप्रोड्यूस नहीं करती। ओके बच्चा, सो योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस।